हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। बिगनर्स लोग अगर चाहते हैं कि हमारे घर में प्लांट लगे, हम भी प्लांट लगाना चाहते हैं और हम लगाते हैं लेकिन हमारे से लगते नहीं और ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ परमानेंट हार्डी प्लांट्स मैं बताऊंगी जो आप अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी से लगने वाले हैं प्लांट। आप चाहे तो नर्सरी से ला सकते हैं, बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। ऐसे ही प्लांट बताऊंगी, ज़्यादा महंगे प्लांट नहीं बताऊंगी। अगर आप नर्सरी से भी नहीं ला सकते हैं तो आप उनको आस पड़ोस से किसी से भी ले सकते हैं, कुछ कटिंग्स ले ले और उनको लगा ले, तो वो कटिंग्स लग जाती है, कटिंग से भी लगने वाले हैं और आप रूट के साथ भी लगाते हैं तो भी वो प्लांट लग जाएंगे। बहुत ही हार्डी है, परमानेंट प्लांट है। तो सबसे पहले ये देखिए, कोलियस का प्लांट है। कोलियस कई कलर में आता है और हमारे पास ये कटिंग से भी लग जाता है, रूट के साथ भी लग जाता है। अगर आप नर्सरी से लेना चाहें तो ये 20-30 रुपये या 25 रुपये में इस तरह के रेट में मिल जाता है। और आप कटिंग से भी इनको लगा सकते हैं, आस पड़ोस में किसी से भी कटिंग्स ले सकते हैं आप। कई कलर वैरायटी में आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये कोलियस प्लांट है। और ये है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू भी है कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट है और आप इसको कटिंग से लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रो होता है। और एक दो चार आप कटिंग्स ले सकते हैं, नर्सरी में भी ये 15-20 रुपए का मिल जाएगा आपको, और नहीं तो आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग से तो बहुत जल्दी से आसानी से लग जाता है और इसमें एरियल रूट होती है, इसमें एरियल रूट होती है। यहाँ पे जो आप नोड एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे एरियल रूट होती है, इसमें निकलती रहती है। ये देखिए आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे तो इस तरह से ये जल्दी से कटिंग से लग जाता है। और फिर है ये रोहियो प्लांट। रोहियो प्लांट भी एक दो तीन वैरायटी में आता है, एक ग्रीन वाली है ये और एक इसमें धारियाँ बनी होती है पत्ती पे। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप इसकी छोटी सी भी कटिंग लगाएंगे, ये एक ही आप इस तरह से किसी से ले लीजिए, नहीं तो आप नर्सरी से लाएंगे तो ये भी 15-20 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और आउटडोर प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये और पानी कम लेने वाला प्लांट है, मतलब कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर जगह दे सकते हैं। देखिए ये है मैक्सिकन पेटूनिया, ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है, कभी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। खास बिगनर्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये प्लांट लगाने के लिए। आप इन ऐसे प्लांट से शुरुआत करिए जो आपके प्लांट ख़राब ना हो और लग भी जाए, तो वही मैं प्लांट आपको बता रही हूँ कि ये ख़राब होने वाले प्लांट नहीं है, आसानी से लग जाते हैं। और इस तरह से इसके वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और सुबह आते हैं इसमें और शाम को मुरझा जाते हैं, मतलब जल्दी ख़राब स्पेंड हो जाते हैं इसके फ्लावर। और बरसात में तो ये पूरा कवर हो जाता है। ये भी दो तीन कलर वैरायटी में आता है, एक इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती है, इस पर पर्पल कलर का फ्लावर आता है और ये कटिंग से भी बहुत जल्दी से लग जाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पॉली बैग में मैंने कटिंग से लगाए हैं, इस पॉली बैग में भी ये भी एक प्लांट से मैंने कई प्लांट बनाए हैं, आप खुद देख सकते हैं। एक ये वाली वैरायटी है मेरे पास और एक ये वाली है, तो ये देखिए वहाँ तक रखे हुए हैं, ये सारे वैरायटी में आता है और इसको भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। नर्सरी में ये भी 15-20 रुपए का आपको आसानी से मिल जाएगा। गर्मियों का परमानेंट और हरियाली बिखेरने वाला हमारे गार्डन में कोचिया प्लांट है। कोचिया प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत लगने वाला है, हमारे गार्डन में हरियाली बना के रखता है ये और कम केयर में चलने वाला प्लांट है। ये मैंने नर्सरी से 15 का या 10 रुपए का मैंने लिया था और मैं छोटा ही इसको लेके आई थी, अभी इसी सीज़न में लेके आई हूँ मैं इसको। और ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, तो कम केयर में चलने वाला है, लो मेंटेनेंस प्लांट तो नहीं ही है लेकिन ग्रोथ इसकी सही हो रही है। ये गर्मियों का प्लांट है तो अभी अपनी ग्रोथ पे है ये और बहुत ही हार्डी है, पानी कम लेने वाला प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, तो आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। है एल्टरनेंथ्रम। एल्टरनेंथ्रम भी कई कलर वेराइटी में आता है। ये देखिए मेरे पास ये दो है वेराइटी है और ये एक ना इतनी बॉल की तरह ये शेप ले लेता है, देखिए आप इस तरह से ये बॉल की तरह शेप ले लेता है और पूरा गमला ना कवर हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कटिंग से भी लग जाता है और ये देखिए मैंने अभी भी कटिंग लगाई हुई है और कटिंग चल भी रही है, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कटिंग्स लगाई है, अभी लगाई है मैंने, कल परसों ही लगाई है और ख़राब भी नहीं हुई है, तो कटिंग से भी लगने वाला है। और बहुत ही ये बास्केट में भी लगा सकते हैं आप इसको और इसमें पोट्स में भी लगा सकते हैं, तो पूरा कवर हो जाता है। और गर्मी बरसात में तो ये बहुत भर जाता है और गर्मियों का है ये, और इसकी पत्तियाँ कलरफुल अपने आप ही रंग बदलती रहती है, तो ये भी गर्मियों का परमानेंट और ख़ूबसूरत प्लांट है, तो इसको भी आप गर्मियों में नर्सरी से ला सकते हैं।
पर्पल हार्ट को कौन नहीं लगाना चाहेगा, इतना हार्डी प्लांट है ये, बहुत ही आसानी से चलने वाला है, कटिंग से चलने वाला है ये प्लांट। मैंने तो ये कटिंग से ही लगाया है और कुछ ही कटिंग्स में लेके आई थी और उसके बाद मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं। सर मैंने इसके प्लांट बनाए हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं इसको, और इसको आप ऐसे पोर्ट में भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया लेकिन इसको हैंग नहीं किया है, तो खूबसूरत लगने वाला है। गर्मियों में ये 10-15 रुपए में ये भी मिल जाता है नर्सरी से, नहीं तो आप अपने फ्रेंड से या आस पड़ोस से किसी से भी 2-4 कटिंग ले ले और उसको मिट्टी, सिंपल मिट्टी में आप इसको भी लगा देंगे तो भी ये जल्दी से ग्रो कर लेता है और कभी नहीं ख़राब होने वाला प्लांट है। और ये है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो को भी आप कभी भी लगा सकते हैं, जैसे ये बाज़ार में आती है तभी आप इसको ले आइए। और ये सर्दियों के टाइम में इसका एक फ्लावर आता है और बहुत ही अच्छी लगती है। ये भी बास्केट में लगने वाले हैं और ये दो वैरायटी में, और ये वाली है ग्रीन वाली, सिंपल वाली जो देसी वाली हम घर में यूज़ करते हैं वो वाली है ये, तो इसको भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। ये भी हमारे गार्डन में ग्रीनरी बना के रखता है। और मैं आपको दिखाती हूँ हैंगिंग बास्केट में, ये देखिए वो लगी हुई है हैंगिंग बास्केट में, मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाई हुई और नीचे तक आई हुई है, आप खुद देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगती है और हैंगिंग बास्केट में लगाने से इस तरह से हो जाती है। तो ये स्पाइडर प्लांट को तो कौन नहीं लगाना चाहेगा। ये है हमारी पौधों की जो होती है कंपनी, पौधों की कंपनी है ये, क्योंकि इससे एक प्लांट आप लगाएंगे और इतने हजार ढेरों बना सकते हैं। अगर ये आपके गार्डन में एक बार लग गया तो कभी नहीं ख़त्म होएगा। आप इसको पानी कम दीजिए, इसको बजरी सैंड वगैरह आप उसमें डाल दीजिए और कोकोपीट डाल दीजिए, वह वेल्डन मिट्टी लगाइए इसकी। और इंडोर प्लांट है, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है ये, कम केयर में चलने वाला है ये। और इसके साथ साथ ये पप्स भी निकालता रहता है अपने, और ये देखिए मैंने एक पप से ही लगाया है तो कितना बड़ा हो गया है, और मेरे काफ़ी लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। इस तरह से मैंने ये बास्केट में लगाया हुआ है और इस तरह से इसके साइड में ये पप्स निकलते रहते हैं, तो इसी से आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्दी से ग्रो होने वाला प्लांट है, एक बार ग्रो हो गया तो कभी नहीं जाएगा अपने आपके गार्डन से। तो इसको भी अपने गार्डन में जगह दीजिएगा। और इसके बाद है हमारे मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सबसे खूबसूरत प्लांट है, इसको कौन नहीं लगाना चाहेगा। आप इसको इस तरह से हैंगिंग में लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको हैंग भी किया हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से भी आप कई तरह से इसको लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मोस्टिक के साथ भी चढ़ा सकते हैं, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इसको नीचे की तरह हैंग करते हैं उस तरह भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही कम केयर में चलने वाला है, इंडोर प्लांट है, मनी प्लांट आपकी। इसको तो चोरी करके भी लगाते हैं लोग बाग, और इसको आप नर्सरी से लाएंगे तो ये भी 15-20 रुपए में मिल जाती है। ये भी कई इसकी वेराइटी आती है, वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक सिंपल ही है, बस एक ही है ये, इसी की मैं केयर करती हूँ। और वो भी मैं लाना चाहूँगी, जल्दी से लेके आऊँगी, वो भी फिर आपको बताऊँगी कितनी खूबसूरत होती है ये मनी प्लांट। मनी प्लांट मानते हैं कि पैसे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन कुछ पता नहीं है करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट आप ज़रूर लगाइए ये वाला मनी प्लांट, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शुभ होता है ये प्लांट। आप अपने गार्डन में इसको भी जगह दीजिए। जेड प्लांट की भी कटिंग, छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हैं, इसकी टोपियारी भी बनाते हैं, और इस तरह से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं इसको घना करने की कोशिश कर रही हूँ, छोटी छोटी कटिंग्स मैंने इसकी लगाई हुई है और यहाँ पर मैंने कुछ शेप दी हुई है, तो कोई भी टोपियारी बना सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल भी इसको लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी से ये लग जाता है, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। सर्दी गर्मी हमेशा कभी कटिंग्स इसकी ख़राब नहीं होती है, तो ये भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।